मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही खारिज कर दी थी और ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भी भेज दिया था कि भाई पूछताछ के लिए आपको आना है 2 नवंबर को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के प्रस्ताव को असंवैधानिक करार देते हुए जाने से मना कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोकुर ने एक बात कही है। जस्टिस लोकुर ने बोला है कि भाई जो आजकल सरकारें हैं वो एक दूसरे के साथ राजनीतिक प्रतिशोध लेती हैं कि भाई केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य में अगर उसकी सरकार नहीं है तो भाई वहाँ पे ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, जो आपको सुनाई देता होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत सारे केस में देखने को मिलता है कि जो पुलिस है वो आधी अधूरी चार्जशीट डायर करती है शुरुआत में, और उसके बाद जब वो दोबारा चार्जशीट डायर करती है तो उसमें कोई भी सबूत साबित नहीं होता है। उन्होंने बोला क्या, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला है कि आमतौर पर ऐसा लगता है कि जो अदालतें हैं वो जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई हैं। आजकल अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वो कम से कम कुछ महीनों तक जेल में होगा। पूर्व न्यायाधीश ने एक और बात कही, उन्होंने बोला कि भाई जो पुलिस है वो पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीरता से जाँच शुरू करती है, फिर उसके बाद एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है, और उसके बाद जो पूरक आरोप पत्र होता है, जो जिसमें पूरी डिटेल होती है जांच के बाद की, वो दायर किया जाता है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और परेशान करने वाला है कि भाई पहले पुलिस आदमी को गिरफ्तार कर लेगी, उसके बाद थोड़ा बहुत जांच कर रहे हैं करके ऐसी बातें करेगी, फिर उसके बाद जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का जो खेल चल रहा है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने भी बात कर दी है। और आपको ये दिखता भी होगा कि भाई जहाँ केंद्र की सरकारें हैं वहाँ तो कोई जाँच नहीं होती, लेकिन जहाँ केंद्र की सरकारें नहीं है, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर दनादन ईडी और सीबीआई के छापे मारे पड़ते रहते हैं। इसके अलावा जस्टिस लोकुर ने एक और बात बोली, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने बोला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जांच शुरू होने और संदिग्ध के वफादारी बदलने के बाद जांच छोड़ दी जाती है। इनका कहने का मतलब यह है कि भाई किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच हो रही है, लेकिन अब उसने अपनी विचारधारा बदल ली, वो बीजेपी में आ गया, तो उसके खिलाफ जांच बंद कर दी जाती है, वहाँ पे जांच स्टे लग जाता है जांच में। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भाई जो बीजेपी में आ जाएगा, जो भी हमारी सत्ता कबूल कर लेगा उसके खिलाफ जांच नहीं होगी, लेकिन जो कबूल नहीं करेगा उसके खिलाफ दबा के जाँच होगी, लंबे समय तक जाँच होगी, जैसा आपने दिल्ली में देखा। अभी तक मनीष सिसोदिया के केस में एक भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि भाई मनीष सिसोदिया का केस जो है पीएमएलए एक्ट में दर्ज है, और उसमें आपको पता है 1 साल तक या फिर 1 से 1.5 साल तक की जमानत नहीं मिलती जनरली, क्योंकि ईडी बोलेगी भाई हम जांच कर रहे हैं करके 1 साल वहीं पर टरका देंगे, ये सीन चलता है। और कानून ही इस तरीके से बने हुए हैं, आप उसमें छेड़छाड़ कर भी नहीं सकते। तो इस तरीके से पूरा खेल खेला जाता है। इनडायरेक्टली ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो पूर्व जज हैं, ये यही कहना चाह रहे हैं। तो आपको पूरा खेल समझ में आ गया होगा कि भाई चलता क्या है करके। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर से बताएं।